तो यार बचपन में पत्थरबाजी का मजा ही अलग था। और यार क्रिकेट खेले भी काफ़ी दिन हो गया। वैसे क्रिकेट से हम काफ़ी दूर ही रहने वाले हैं क्योंकि यार कोई खिलाता ही नहीं है, जाते हैं तो लास्ट में देता है। इधर आओ तो क्रिकेट खेला कितना दिन हो गया, सच सच बताना। वही 2-2.5 साल। अच्छा, ये हाथ में पकड़ो और जितना औकात है पूरा औकात लगा के फेंको इधर। ओके, हाँ अब हाथ का फीलिंग बताओ। लग रहा है भाई उखड़ गया। हाँ ठीक है, ओवर एक्टिंग करने का जरूरत नहीं है, एक हम भी मार लेते हैं भाई साहब। अरे अच्छा खासा डिस्टेंस गया, लेकिन ये जो है ना अच्छा खासा असर करता है क्योंकि आदत छूट चुका है। लेकिन बचपन में हम एक और चीज़ करते थे, तो बात यह है कि बसंत ऋतु में यानी कि फूलों वाला सीजन में जब क्या बोलते हैं उसको, सेमर, सेमर का फूल फूलता था ना, उसका कली ठीक ठाक गिरता था नीचे, तो उसको हम इसमें लगाते थे। और उसी समय में आलू भी हमारे तरफ खोदा जाता है खेतों से, तो आलू भी हम मतलब आलू जब खोद के चला जाते थे लोग, तो वहाँ से हम जाते थे और निकलते थे आलू, और आलू लेके किचन में नहीं ले जाते थे बल्कि आलू लेके हम कुछ और ही करते थे। और करते ये थे कि भाई आलू लाओ, तो क्योंकि कदम का सीजन तो है नहीं। एक 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 ये आलू और हम इसमें डालू, मतलब इसमें हम ऐसे डालते हैं, शायद हम गड़बड़ कर दिए, आलू फट गया, कोई नहीं, हम इसको इसमें लगाने के बाद हम ऐसे थ्रो करते हैं और एक एवरेज से ज़्यादा जाता है। लेकिन ये तो गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया, ठीक है इसको हम और पतला कर लें। से लग गया है आलू और इसको हम तगड़ा मतलब इसको छोड़ते हैं। अरे भाई जी, तो यार मेरे हिसाब से काफी दूर गया, लेकिन हम लोग ट्रैक नहीं कर पाए और ये गलती हम दोबारा नहीं करेंगे। तो क्या करते हैं, हम यहाँ से इधर फेंकेंगे, एक आदमी को उधर रखेंगे और फिर करते हैं, क्योंकि आलू बहुत कम है यार, किचन से चुरा कर लाए हैं, मम्मी जान जाएगी। तो ये डंडा जो है ना, इस जो फेंकने के काम में आ रहा है वो इधर मारने के काम में आ जाएगा। आइए सब कोई, हमारे पास भैया इतना आलू है, 1, 2, 3, 4, 5। खैर आलू वाला काम नहीं करने वाले आज हम, ये जो कंसेप्ट है ना इसमें आलू जियान होता है। तो आज हम एक बड़ा सा डंडा बनाएंगे एक अपने से और उसमें पत्थर बांध के फिर फेंकेंगे, तो डायरेक्ट हम पत्थर फेंक का वो करेंगे। तो फिलहाल इसका हम टेस्टिंग कर रहे हैं ये कितना दूर जा रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे कि इसमें से एक आलू को हाथ से फेंकेंगे, एक आलू को इससे फेंकेंगे और उसके बाद डिस्टेंस मापेंगे और उसके बाद पत्थर वाला हम लोग काम शुरू करेंगे, कुछ जुगाड़ लगाएंगे, कुछ तगड़ा सा बनाएंगे। रख दीजिए वहीं पे, वहीं पर रख दीजिए उसको, लगाए रेडी। ओके ये गया, बहुत ही गलत चला गया, कोई नहीं। तो
ये ऐप है जिससे हम मीटर मेजर करने से कितना मीटर दूर गया और यहाँ से डाल रहे हैं यहाँ से ताकि रोड से आपको दिखता रहे। और अब हम चलते हैं उस जगह पे जहाँ पे हाथ वाला गया था। तो दोस्तों हम फर्स्ट आलू कहाँ पे गिरा था वो दिखाने जा रहे हैं, तो आप आइए मेरे साथ। तो मेरा ये मीटर स्टार्ट हो गया और डिस्टेंस मीटर से देखते हैं कि कितना जाता है। आइए जगह पे फर्स्ट वाला जो हाथ से फेंके थे। और तो ये तकरीबन 33 मीटर शो कर रहा है, 38 मीटर जो भी है ऑन एन एवरेज। तो एक आध मीटर इसका लिए मायने नहीं रखता है, लेकिन नहीं दिख रहा है तो हम इसका स्क्रीनशॉट ले ले रहे हैं। तो ये स्क्रीनशॉट लगा सकता हूँ अगर नहीं दिख रहा हो तो। ठीक है, अब दिख रहा था, थोड़ा सा ब्राइटनेस भाई। हाँ, ब्राइटनेस फुल है। तो 39 मीटर मतलब 40 मीटर समझ लीजिए हाथ से। और आगे हम देखते हैं जो इससे फेंके थे डंडे से। और इसका साइज भी दिखा दीजिएगा। बाकी आप आलू का साइज देख सकते हैं, लगभग सेम था, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इसको हम यहीं पे डाल दें, यहीं पे डालते हैं और चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हम विजिट करते हैं। अब बताइए सिंगल क्या? तो जो डंडे से फेंके थे वो 68 मीटर बता रहा है और ये दिखा तो रहा है, अलग बात है। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो डंडे से फेंके है ना उसका जो हाइट गया है क्या तगड़ा हाइट गया, मतलब गजब वाला हाइट गया है। बाकी अगर इधर घुमाए तो देखे कितना दूर जाता है, वहां से जाकर आप दिखा सकते हैं कि कितना दूर से आया है। वहाँ जो दिख रहा है गाड़ी के भैंस के बगल में, तो उतना दूर से आया है। लेकिन हमारी कहानी यहीं पे ख़त्म नहीं होती। इसकी अभी हम जो करने आए हैं, जो एक्चुअल में आइडिया है, ये तो पुराना चीज़ है, नया ये है कि पत्थर को फेंकेंगे वो भी एक नया जुगाड़ लगा के, क्योंकि पत्थर में ऐसे डंडे घुसरना जो कि संभव नहीं है, तो उसके लिए कुछ अलग जुगाड़ लगाए हैं और करके देखते हैं कि कितना होता है। तो यार हमारे हाथ में बहुत सारे पत्थर हैं और इन पत्थरों को हम इससे फेंकने वाले हैं। आइडिया सिंपल है, इसमें हम ऐसे इसको फाड़े हुए हैं और एक डंडा है हरा भरा और हम इसमें इस तरह डालेंगे, इसको इस तरह इसमें हम अंदर डालेंगे और फेंकेंगे इसको बढ़िया से फंसा के, देखते हैं क्या होता है। लेकिन उससे पहले एक हाथ से भी फेंक के देख लेंगे और दोनों का मेजरमेंट निकाल के आपको दिखाएंगे। तो चलिए। तो यार हमारे हाथ कुछ सिंपल सेम साइज का पत्थर है, रेडी हो जाओ। और इसमें से हम फेंक लेते हैं, एक हाथ से फेंकते हैं और वो लोग वहाँ पे देखेंगे कि कहाँ। ओके, थोड़ा सा गलत हो गया, कोई नहीं, दोबारा फेंकते हैं। ओके, यार अच्छा खासा डिस्टेंस गया है आलू वाला टाइप के। ओके, पॉइंट करके रखना, अब हम डंडे से फेंकते हैं। तो ये हमने लगा दिया यहाँ पे और फेंकते हैं इसको, हम देखते हैं क्या ही है। हाँ, ये अलावा आ गया। तो यार काफ़ी मेहनत मशक्क़त के बाद इसमें हमने बहुत तरह से यूज किया, इसमें डबल रबर लगाया, इसका मतलब बढ़ाया, फिक्सन के लिए हमने ईंट का यूज किया, ईंट के साथ फेंक के देखा, पत्थर के साथ फेंक देखा। इसमें एक समस्या आती है और साथ में मैं आपको डिस्टेंस भी दिखा देता हूँ कि हाथ से मैंने कितना फेंका और उससे। तो इसमें एक समस्या ये आ रही थी कि यार आपके कंट्रोल में ये होना बहुत मुश्किल था। कौन सा?
ये जो हम फेंकते हैं तो ये कहाँ छूट जाएगी और किधर चली जाएगी, ये कंट्रोल में नहीं रहता है। तो इसलिए बहुत ही सावधानी से आप एक एंटरटेनमेंट के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। मतलब आप इसका यूज करिए, लेकिन इसका कुछ ज़्यादा मतलब निशानेबाजी वगैरह या जो भी हो वो नहीं कर सकते आप। और फिलहाल हम यहाँ पे दिखाएंगे आपको जो क्या बोलते हैं, जो हाथ से फेंका था मैंने वो पॉइंट। तो क्योंकि पत्थर होता है तो थोड़ा भारी हो जाता है, आलू के मुकाबले ज़्यादा जाएगा, ये फैक्ट है, मतलब साइंस है, फैक्ट नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 57 मीटर, तो हमने 57 मीटर फेंका था। डिस्प्ले दिखा दीजिए, यहाँ पे डिस्टेंस दिखा रहा है, 57 मीटर हमने हाथ से फेंका था। और डंडा से मैंने फेंका था तो बहुत अजीब अजीब जा रहा था, और हाइट का तो क्या ही कहना। तो दूसरा हमने जो फेंका, जो हमारे दिखाई और नज़र में आया, पकड़ में आया, बाकी तो मिला ही नहीं, वो आपको दिखाते हैं। किधर है भाई, वो ये था, और ये लगभग 78 मीटर इस पर दिखा रहा है, 78 मीटर। तो ये है, और यार काफ़ी थक चुके हैं, हाथ वगैरह उखड़ गया है। लेकिन एक जो सबसे लंबा गया था वो वाला उधर चला गया था पोर्ट्रेट, तो एक जो सबसे लंबा गया था वो इधर आया था, मतलब ठीक ठाक लंबा आया था। और ये तकरीबन 92 प्लस, मतलब 92 मीटर। इसके अलावा हम इस डंडे, ये जैसे ये डंडा काफ़ी भारी है, और भी बहुत सारा चीज़ है, तो आप डंडा वगैरह चेंज करके और भी बहुत तरीके से कर सकते हैं। हो सके अगर हमें टाइम मिलता है तो हम और इसको करके अच्छे तरीके से देखेंगे। फिलहाल तो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। दूसरा कि आपको इस बात को ध्यान रखना है कि आप इसे अगर आजमाए करें तो यार एकदम खाली प्लेस होना चाहिए। यहाँ पे ठीक ठाक खाली प्लेस है, और ये जिधर आप फेंक रहे उधर तो मतलब पूरा खाली होना चाहिए, आपका आदमी होना चाहिए कम से कम, नहीं तो यार किधर चला जाएगा कोई पता नहीं। इसके अलावा प्रैक्टिस करके ही इसे करें, और पब्लिक मतलब खाली जगह में ही करें तो बेहतर है, नहीं तो डेंजर हो जाएगा। तो बाकी इसके पीछे का साइंस, तो सिंपल से साइंस देखें इसके पीछे, तो एक आप पत्थर को ले और ऐसे फेंके, ऐसे तो बहुत कम दूर जाएगा, ये आपको समझ में आ रहा होगा। वही आप ऐसे लेके और ऐसे फेंके तो आपका ज़्यादा होगा। तो कुल मिला के तो बात यह है कि जैसे जैसे आप ये वाला लेंथ बढ़ाते जाते हैं आपका मोमेंट बढ़ते जाता है, और इसके साथ अगर हम इसके साथ फेंकते हैं तो आपका काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा आपका मोमेंट हो जाता है। आपका फोर्स तो सेम ही रहता है, फोर्स सेम नहीं रहता है, एक्चुअल में फोर्स भी आपका दो हाथ का लग रहा है, तो ये हो जाता है। लेकिन अगर हम इसको हम रिलीज करते वक्त कंट्रोल कर पाए, मतलब हम एकदम जहाँ चाहें, जैसे हाथ से हम पत्थर फेंकते हैं तो हमें जहाँ चाहे उस पोजीशन पर रिलीज करते हैं, वही कोई मैकेनिक्स लगाए इसमें, और हम अपने अनुसार अगर इसे रिलीज कर पाए तो ये एकदम परफेक्ट हो जाएगा। देखते हैं कभी इसको करके अगर हो पाए तो करेंगे, दिखाएंगे आप लोगों को। तो बाकी यही था वीडियो, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। और दूसरा चीज़ ये कि भाई किसी का सर मत फोड़िएगा, टकला मत फोड़िएगा, बहुत डेंजर है। आलू वगैरह तो ठीक है, किसी के सर पे गिरेगा तो बेचारा का सब्जी पूरी नहीं बटेगा, लेकिन पत्थर गिर गया तो सब्जी पूरी बटेगा। इसलिए प्लीज़ आप इसको खाली जगह पर करें, ऐसे ना करें, पत्थर वाला तो करें ही नहीं, आलू वाला करें, किचन में से ले, गाली वाली सुन के बाय।